नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु दुबे और आप लोग देख रहे हैं आशु के टेक चैनल को। तो आज हमारे पास है महिंद्रा बुलेरो और इसकी आज फुल मेंटेनेंस होगी, जैसे आपकी ग्रीसिंग होगी और इसमें ब्रेक शू लगेंगे और सब कुछ इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होगा। ये 2007 मॉडल बुलेरो है, ओल्ड वाला मॉडल है ये, और इसका आप लोग देख सकते हैं कैसी कंडीशन है इसकी। देखिए, आप नीचे से देख सकते हैं इसका व्यू। दोनों टायर हमारे नीचे रखे हुए हैं ताकि सेफ्टी पर्पज़ से अगर हमारा जैक कभी गिर भी जाए तो गाड़ी हमारी मेंटेन रहे। दोनों साइड के चक्कों को हमने निकाल के नीचे रख दिया है, कमानी के नीचे अपने, यहाँ पर पट्टे लगे हुए होते हैं आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग देखिए कि हमने अपने राइट साइड का भी टायर को जो है वो निकाल के साइड में रख दिया है और लेफ्ट साइड के टायर को भी हमने साइड में कर दिया है। अभी आप लोग ये देखिए, ये जो रॉड है, ये रॉड हमारा इस पाइप के अंदर लगता है और ये जो है ये हब है जो जिसपे हमारा व्हील सेट रहता है और ये जो सारे नट हैं इस पर पूरा अपना टायर सेट हो जाता है। और अभी आप लोग अगर इसे ओपनली देख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कैसा है, तो ये क्या है कि इस पर अपना ब्रेक शू भी लगेगा, इसलिए पूरा ड्रम व्रम सब इसका निकाल के बाहर कर लिया है। और आप लोगों को अब हम अपना लेफ्ट साइड का व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए, कार की कंडीशन बहुत गंदी है और ये देखिए अपना ये लेफ्ट साइड का व्यू है। तो ये देखिए इधर भी, और ये दबता है जब दोनों अपने ब्रेक शू लगेंगे तो ये ऐसे दब जाता है प्रॉपरली। और इधर साइड भी सेम पोजीशन है, अपना इधर साइड का भी ये रॉड रखा हुआ है और ये जो अपना हब है ये वाला, ये अपना इधर लेफ्ट साइड का हब है और इस पर भी वही बीम सेट होगा। इनकी सबकी अच्छे से प्रॉपर धुलाई होगी, इनकी प्रॉपर ग्रीसिंग होगी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर हमारे ब्रेक शू निकाले जा रहे हैं। ये है हमारे अखिलेश भैया, एक बार हाय बोल दीजिए। ये देखिए भैया, और ये अभी निकाल रहे हैं ब्रेक शू को, थोड़े के द्वारा निकाला जा रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो प्रोफेशनली काम तो हो नहीं पा रहे हैं, फिर भी जितना हो रहा है उतना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए, और ये देखिए इसे ऐसे ही निकाला जा रहा है। ये जो नक्के हैं इन्हें काटा जाता है ताकि इस पर जो ये अपना ब्रेक शू रहता है, और अगर फ्रेंड्स आप कंपनी पे जाएंगे तो ये पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया जाता है, इस पर अलग से ब्रेक शू नहीं लगाए जाते हैं। और ये देखिए अभी हमारा इस पर ब्रेक शू लगने स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, और इसके अंदर ऐसे रिपीट डाली जा रही है और फिर इसको प्रॉपर ऐसे सेट किया जा रहा है और देसी जुगाड़ चल रहा है। ये रिंच, जितनी रिंच होती है उसके माध्यम से इस पर सब कुछ लगाया जा रहा है और अपने चारों ब्रेक शू आ गए हैं और इन्हें सेट किया जा रहा है प्रॉपरली। और हर इस पे भी कुछ सेटअप है, आप लोग देख सकते हैं, पहले साइड पे लगाया गया है और इस साइड, मतलब दोनों साइड साइड पे लगा दिया गया है इसे, और फिर उसके बाद वो है देखिए अपने ये चारों ब्रेक शू पड़े हुए हैं, तीन इधर है और एक ही लग रहा है। और ये रिपीट है जो इसके अंदर ऐसे ये बैठा के लगाया जा रहा है। ये सब सिस्टम इन्होंने बना के रखा है पहले से ताकि इससे प्रॉपरली ये सब सेट हो सके। तो ये देखिए, ये पिस्टन का एक्चुअली इन्होंने बनाया है, तो पिस्टन लगते हैं अपने इंजन पे। और अभी बहुत जल्द मैं एक व्हीकल के पिस्टन का भी, मतलब इंजन का फुल वीडियो लाने वाला हूँ कि आफ्टर मार्केट में इंजन को दोबारा कैसे सेट किया जाता है, उसकी वीडियो आ रही है, तो आप लोग उसे मिस मत करिएगा, जरूर देखिए। देखिए अब ये प्रॉपरली सेट हो गया है, ये वाला ये प्रॉपरली सेट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए प्रॉपरली सेट किया जा चुका है और ये अपना TVS अब आ चुका है, फिर पार्ट नंबर भी डला हुआ है प्रॉपरली। और ये देखिए कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन ये TVS अपाची ब्रांड का है और कंपनी भी TVS का ही लगा के देती है ब्रेक। तो चलिए मिलते हैं।